तो मैं उन सबको फोटोएं दे दूंगा कि ये काम मैंने करा है। अभी लेटेस्ट बता रहा हूं मैंने आपको, सुप्रीम कोर्ट में केस लगा रखा है, 1-1 करोड़ रुपए मोदी और केजरीवाल दोनों जो 60-70 लोग दिल्ली में मरे हैं उन सबको दें। प्राइवेट हॉस्पिटल में लोग 70 मर गए, एक भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल का आदमी नहीं मरा। बताइए कितना बड़ा झंडा है, आप समझे देश को कितनी डिस्पैरिटी है। रिश्वत चाहिए प्राइवेट ऑफिस से, क्योंकि वो देश के नागरिक नहीं है जो वहाँ इलाज करा रहे हैं। आप बताइए ना हम कहाँ जा रहे हैं, किसका देश आजाद हुआ? जो आता पैसे खर्च करके आपको गरीब आदमी को दे दिए और लूट लेता, फिर उसके परमिट मिल जाता उसको, लाखों हजारों करोड़ का परमिट मिल जाता है, खर्च करते हैं 30-40 हज़ार करोड़ में और लाखों हजार करोड़ का परमिट लेके देश में घूम रहे हैं। तो हमारा जो परिषद बनाने का मकसद है, हम में से कोई भी आदमी भ्रष्टाचार नहीं करेगा, ना किसी भ्रष्टाचारी का साथ देगा। सारे लोग आटिया लगा के पता करेंगे कि अगले पिछले 5 साल में हमारे क्षेत्र में क्या क्या काम एनसीडी में हुए कि नहीं हुए, उनकी इंक्वायरी की जाएगी, उन सारों के खिलाफ सीबीआई इंक्वायरी कराई जाएगी और सबको अरेस्ट कराया जाएगा जो भी एनसीडी के चुनाव में भ्रष्टाचार पाया जाएगा। अभी हमने मनोज मलावत नाम का हमारा एरिया का कंट्रोलर है, 10 लाख रुपये रिश्वत देता पकड़ा गया था, बीजेपी का है, सीबीआई उसको उठा के देगी, तो उन सारे लोगों को उठवा दिया जाएगा। मनकेश जी आपसे ये सवाल है मिनी संसद का, कि हम ये पूछना चाहते हैं कि कैसे करेंगे, सामने तो बहुत बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, तो कैसे आप उसको कैसे जीतेंगे? संगठन में शक्ति है और संगठन में वो शक्ति है जो शायद पार्टियों में भी वो शक्ति नहीं रहेगी। मैं अपना अनुभव बताऊं कि हमने जो ये एमसीडी में हम जब इंडिविजुअल किसी की शिकायत करते हैं या कोई एनक्रोचमेंट कर रहा है या कोई किसी प्रकार से वो कर रहा है, तो ये लोग क्या करते हैं कि उस शिकायत पे संज्ञान लेते हुए और अपने अधिकारियों को उसके पास भेजते हैं हमारी शिकायत पर, और उस शिकायत को वो इतना बढ़ा चढ़ा के उसको डरा देते हैं और अपने रेट बढ़ा के और उससे माल लेके और वो साइड हो जाते हैं। अभी मैं DPCC में गया था एक सर्वे के लिए, और सर्वे मैंने करवाया तो करवाने के लिए मैंने उनसे एक NOC मांगी, तो उन्होंने कहा मेरे से कि आपको किससे शिकायत है आप वो दे दो। तो मैंने उन IAS महाराज से ये कहा कि मैंने कहा साहब मैं जन शिकायत कर करके बहुत तंग आ चुका हूँ, और मैं आपको अगर किसी की शिकायत करूँगा तो उसको आप अपनी अतिरिक्त आमदनी का साधन बना लेंगे और जुटा लेंगे और उसमें खा जाएंगे और मेरी उसको रद्दी में डाल देंगे। तो मैंने अब वो काम नहीं करना है, आप मुझे ये बताएं कि भाई मैं तो सामूहिक रूप से देना चाहता हूं। तो उस बात पे वो आज तक उन्होंने वो सामूहिक मेरे को एक NOC लेके नहीं दी। तो इस तरीके के जो भ्रष्टाचार है, जो एजेंसियां कर रही हैं, सरकारी एजेंसियां कर रही हैं, उनको रोकना है हमको। और ये सब क्या है कि एक MCT के अंदर में भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं, हमारे यमुना जी में 22 नाले आ रहे हैं, हमारी यमुना जी को किस तरीके से बनाया हुआ है इन्होंने, और वो किसकी जिम्मेदारी है, वो कह देता है उसकी जिम्मेदारी, वो कह देता है उसकी जिम्मेदारी। ये जो जिम्मेदारी अपने ऊपर नहीं लेते, केवल कागज़ों को इधर उधर करते रहते हैं और कोई काम नहीं है इनके पास, उन कामों को हमने इनको हटाना है, इनके दुलत्ती लगानी है और हमने खुद उस चीज़ को संभालना है। आज कितने लोग यहाँ पे उपस्थित रहे जिन्होंने कहा कि वो पार्षद का चुनाव लड़ेंगे? आज हमारे उम्मीद तो थी हमें कि हम 5 लोग करेंगे, लेकिन जस्ट डबल हो गए और 10 के करीब हो गए हैं, और उसी से हमारा उत्साह और बुलंद हो गया है। और हम आने वाले समय में अब हम कह सकते हैं कि आने वाले समय में हम 272 कैंडिडेट मजबूत उठाएंगे, और 272 कैंडिडेट वो हर एक पार्षदी क्षेत्र में जाएंगे और जाके जिस तरीके से ये पार्टियाँ महिमा मंडित करती हैं, जनता को घुमाती हैं, उसी तरीके से हम लोग पूरी शक्ति के अनुसार और एक एक पार्षद के क्षेत्र में जाके और हम बताएंगे जनता को कि हम में अब शक्ति है और जनता आप जनता के साथ हो जाओ। सर अगर वो कहती है, चोपड़ा जी से मेरा एक सवाल है कि आप जो ये पार्षद खड़े कर रहे हैं, एक तो आपका MCD का मुद्दा जो एजेंडा है वो क्या रहेगा, और 272 सीट पर इलेक्शन के लिए आपकी फंडिंग का अरेंजमेंट कैसे होगा? कोई फंडिंग नहीं है, पब्लिक फंडिंग रहेगी सारी की सारी,
100% जिसके पास हम वोट मांगने जाएंगे वो हमारे साथ खड़ा होगा, हमारे साथ चल के वोट डलवाएगा, वोट डलवा के जब तक हम जीतेंगे नहीं वो वहाँ बैठा भी रहेगा ताकि रात को हेराफेरी कोई ना हो जाए जैसे होती है। तो हमको सब लोग खड़े होकर जितवाएंगे, एक एक पार्षद के साथ पूरा ब्लॉक खड़ा होगा, 50,000 आदमी पूरे खड़े हो जाएंगे, और उसको जब तक वो जीतेगा नहीं सुख चैन से नहीं बैठेंगे, और जब भी वो जीत जाएगा वो इन 50,000 लोगों का पूरा ध्यान रखेगा। और एक एक काम मैंने बताया कि सारी दिल्ली में हम पटरियों पे, रोडों पे, गलियों में फूल लगवा देंगे, दाने लगते होंगे, गमलों में लगवा देंगे, सारी दिल्ली में इतनी खुशबू हो जाएगी कि आपको कोई सांस में पोल्यूशन में कोई समस्या नहीं होगी, और कोरोना पुरना सब यहाँ से भाग जाएगा। आने वाले टाइम में इस देश का फ्यूचर बहुत अच्छा है। 75 साल से हम देश के गुंडों को बर्दाश्त कर रहे थे, अब हम इनको बर्दाश्त नहीं किए, हमारा राज है, जनता का राज है, और जनता का राज आगे चलेगा, और सारी जनता देश में इकट्ठी होकर लड़ेगी, कोई ये नहीं कहेगा मैं 130 का होगा प्रधान। उसके लिए हम एक काम और करेंगे कि जो जो कैंडिडेट खड़े हो रहे हैं हमारे दिल्ली से, तो हम उनके जो एक एडवर्टाइजमेंट और पब्लिसिटी का जो एक अमाउंट होगा, चाहे वो 2 लाख हो, 3 लाख हो, 1 लाख हो, जितना भी हो उसके क्षेत्र के मुताबिक, तो उसका 25% हमारा संगठन, हम लोग मिलके पूरे जो ग्रुप में मिले हुए हैं वो लोग मिलके, और हम उस पर खर्च करेंगे और उनको एक राहत देंगे। चोपड़ा जी, मेरा सवाल है, क्या गारंटी है कि जो आपके पार्षद जीत के आएंगे वो भ्रष्टाचार नहीं करेंगे? दिल्ली में जो सरकार अभी है उसने भी यही, सर ऐसा है, वो भी यही कह के आई, और आज भी सर जब से मैं पैदा हूँ मैं तो देशभक्ति तभी से कर रहा हूँ, और मैंने हजारों काम कराए हैं, मेरे पिछले यूट्यूब पे भी देख सकते हैं, कौंसलर के चरण मैंने 4 पेज बांटे थे, और अपनी फोटो लगा के बांटे थे कि देखो इतने मैंने ये काम कराए हैं, बड़े बड़े काम हैं, जैसे RTA लगाना प्राइवेट आदमी पे लगती नहीं थी, मैंने लगवाई थी, समझाई ना सर। अभी मैंने 30,000 करोड़ मोदी जी ने जो भ्रष्टाचार किया है कोरोना में वो मैंने उजागर किया, तब उन्होंने वैक्सीन लगानी शुरू है, मुफ्त वैक्सीन जो कह रहे हैं ना वो तब लगनी शुरू है, पहले तो कहते हैं स्टेटें अपने आप लगाएंगी, क्यों भाई तुम देश के राष्ट्र के प्रधानमंत्री हो, कि स्टेटें हैं तुम्हारा सेंट्रलाइज काम है, ये तुम्हारे को करना चाहिए। और हाँ हाँ एक बात याद रखें कि इस पूरे घटनाक्रम में एक शैडो कैबिनेट भी है, तो जो पार्षद इस तरीके की अगर कोई हरकत करेगा तो उसके लिए हम एक शैडो उसको बना के, हम अपनी तरफ से, वो तो इलेक्ट होके गया, हम अपनी तरफ से सेलेक्ट करके एक शैडो उसके पीछे जरूर छोड़ेंगे ताकि वो ईमानदारी से अपने क्षेत्र का काम करता रहे। सक्सेना जी से मैं एक अनुरोध करूंगा, सक्सेना जी इस बात पर प्रकाश डालिए कि जीतने के बाद आदमी भ्रष्ट नहीं होगा तो हम कैसे रोकेंगे उसको, सक्सेना जी इस बात का जवाब दें। इसके लिए हमने एक नीति तैयार करी है, हम जो कैंडिडेट उम्मीद चुनाव लड़ते हैं उनसे हम कोई एग्रीमेंट नहीं करते, वो हमसे वोट ले लेते हैं झूठे वायदों पर, हम उनसे अब किसी एक एग्रीमेंट करने जा रहे हैं, हम उनसे कहेंगे शपथ पत्र दो हमारा वोट लो, वेरी गुड, गिव एंड टेक, यानी हमें लिखित में दो कि आप अगर भ्रष्टाचार करेंगे, भ्रष्टाचार में लिप्त पाए जाएंगे, आय से अधिक संपत्ति आपके पास होगी, आपने ऐसे संसाधन जुटा लिए जो आय से अधिक हैं, तो क्यों ना हम आपके खिलाफ केस दायर करें, आपको हम रिकॉल करें, राइट टू रिकॉल का आपके ऊपर उपयोग करें, आपको वापस बुला, तो शपथ पत्र में करीब है। देखिए इन्होंने कहा जनता पार्टी, बताया ना, मैं इस बात का जवाब देना चाहूंगा, मेरा चेहरा ही मेरा चुनाव चिन्ह है, मेरा चेहरा ही मेरा चुनाव चिन्ह है। पार्टी की जो EVM पे चुनाव चिन्ह तब दिया गया था जब EVM पे जनता अनपढ़ थी, पढ़ नहीं पाती थी नाम, आज टेक्नोलॉजी विकसित हो गई है, हमें किसी चुनाव चिन्ह की ज़रूरत नहीं है, हमारे फेस पे, हमारे कैंडिडेट के फेस पे वोट पड़ेगा, हमारे कैंडिडेट के फेस के नीचे लिखा होगा मेरा चेहरा ही मेरा चुनाव चिन्ह है, बाकी जो सरकार चुनाव चिन्ह देती है सम्मिलित रूप से हम भरेंगे, एक ही चुनाव चिन्ह तब मिल जाएगा हमें, लेकिन अभी से हमारा प्रचार होगा मेरा चेहरा ही मेरा चुनाव चिन्ह है, क्योंकि EVM पे हमारा चेहरा लगेगा, तो हमारे साथ सारे जो समाज से जुड़े हुए लोग हैं ना, तो हमें उनकी पहचान बनाने की तो कोई जरूरत नहीं, झंडे का रंग बताइए, तिरंगा है हमारा झंडा, हम कोई नया झंडा नहीं बनाएंगे, ठीक है, तिरंगा हमारा झंडा है, चुनाव चिन्ह हमारा चेहरा है, तो इसलिए हम, एक सवाल और है जी, आप 272 में से महिला शक्तियों को कितना स्थान देंगे? वो तो ऑलरेडी फिक्स है गवर्नमेंट द्वारा, रिजर्व के अलावा क्या उन्हें जगह देंगे या नहीं? नहीं देंगे, बिल्कुल देंगे, अभी तक आपने कितने कैंडिडेट
त्याग कर दिए हैं। हम चाहते हैं कि अभी आज की डेट में जो पहला हमारा ये एक स्टेप था, इसमें हमने 5 की सोची थी, 5 की उम्मीद लगाई थी, लेकिन जस्ट डबल हो गए हैं, 10-11 के करीब हो गए हैं। तो सारी दिल्ली से विधानसभा से हमारे पास फोन आ रहे हैं कि हमें अपना कैंडिडेट बनाओ, जैसे ही हमारे सारे कैंडिडेट पूरे होंगे हम आपको लिस्ट दे देंगे। आपका ये कैंडिडेट है, एक सवाल मेरी तरफ से भी है, आपका ये जो एक सवाल मेरी तरफ से है कि महिला ही इसका जवाब दें, आगे आ जाए कैंडिडेट हमारी महिला। एक सवाल होगा, ये जो आप कैंडिडेट मनोज जी, आप ये जो कैंडिडेट तय कर रहे हैं, इसका क्राइटेरिया क्या रहेगा? बताया ना अभी सक्सेना जी ने कि उनसे एफिडेविट लेंगे, उनसे शपथ पत्र लेंगे कि आप कभी बेईमानी नहीं करेंगे, अपने खर्चे अपने घर से चलाएंगे, काउंसलर के चुनाव में से पैसे नहीं उधर डालने का प्रयास करेंगे, करेंगे तो हमारी जो कोर कमेटी है वो घर तक नहीं छोड़ेगी उसको। चलिए चोपड़ा जी, आप दिल्ली की जनता से क्या कहेंगे हमारे चंद्रों को? हम यही कहना चाह रहे हैं कि एक बार हम लोगों को भी मौका दो, विश्वास करो हम लोगों पे, हम देशभक्त हैं, असली देशभक्त हैं, जो हम भगत सिंह और सुखदेव और राजगुरु की बात करते हैं, जिनको आज तक मोदी जी ने ना कांग्रेस ने शहीद का दर्जा तक नहीं दिया, हम भारत रत्न की बात कर रहे हैं, उनको भारत रत्न दो। मैंने 2 बार MP का चुनाव लड़ा, दोनों चुनाव में मैंने शहीदों को भारत रत्न देने की पक्षधारी करी, तो इसलिए आप जो हैं आप इसी से निश्चिंत रहें। मेरे ऊपर 176 मर्डर डम मोदी करवा चुका है, मैं परवाह नहीं करता हूं, मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, इस देश को एक अच्छी आगे में वो ले जाके दिखाऊंगा। मेरा सहयोग करें, मैं आपको दिखाता हूं देश कैसा होता है, आज़ाद देश कैसा होता है, आज़ाद देश के नागरिक कैसे होते हैं, आज़ादी क्या होती है। मैं आपकी जो महिला उम्मीदवार है, मैं चाहूँगा कि वो भी अपनी बात रखें कि लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि महिला शक्ति को आगे कैसे नहीं बढ़ाएंगे, तो ये जिम्मेवारी, क्योंकि तो आप पहली कैंडिडेट हैं, तो आप क्या समझते हैं कि आप जिम्मेवारी उठाएंगी और कैंडिडेट? डॉक्टर संगीता जी हैं, बिल्कुल, जब तक आप अधिकार की बात करते हैं, तो जहां महिलाओं की जो अधिकार है उस पर तो उसको डेफिनेटली अमल करना ही है, और समाज को आगे बढ़ने के लिए वो भी इस देश की कर्णधार है, वो भी उस इस देश की अधिकार रखती है, बराबर के अधिकार रखती है, और उसे आगे बढ़ने का और देश को समाज और परिवार को देश को सुधारने का मौका उसे भी मिलना चाहिए। तो मैं संगीता जी से ये कहूँगा कि सारे जितने भी प्रोफेशनल लेडीज हैं देश में, देश जो घर से बाहर निकल के काम करती हैं, उन सबको ये रिक्वेस्ट करें कि वो सारी महिलाएं हमारे साथ सहयोग करें और महिला शक्ति को हम सहयोग करेंगी, डेफिनेटली करेंगी, क्योंकि सबके साथ कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं अत्याचार होता ही है, तो वो आगे आएंगी और आप सबका सहयोग करेंगी। ठाकुर साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? जो हमारे आज जो ये सभा थी, ये सभा के बारे में कुछ आप क्या बोलना चाहेंगे? सभा सफल रही है, आम आदमी पार्टी हो या बीजेपी हो, पूरी तरीके से फेल रही है। दिल्ली में 18,000 बेटियों का रेप हुआ, 30,000 महिलाओं की किडनैपिंग, 50,000 बच्चों की किडनैपिंग, 4,000 मर्डर और 65,000 स्नैचिंग से ये पता चलता है कि दिल्ली की कोई गली, कोई परिवार, कोई घर सुरक्षित नहीं। पॉल्यूशन की हालत ये है कि आप दिल्ली में किसी भी तरफ से, पंजाब से घुसे, गाजियाबाद से घुसे, तो आपको बदबू आती है दिल्ली शहर में। कोई ऐसी रोड नहीं है जहाँ पॉल्यूशन मुक्त हो, हर जगह आपके दिल्ली शहर का कीर्तिमान इस मॉग फोग का टावर बन गया है। ऐसी आम आदमी पार्टी को फाड़ के फेंकेंगे और इस दिल्ली में एक बेहतरीन दिल्ली बनाएंगे, गली गली क्लीन होगी, हर रोड पे पॉल्यूशन मुक्त दिल्ली बनाएंगे। और जो ये MCD के द्वारा 50,000 1,00,000 रुपए लेकर के लोगों के घर पे छप्पर लगवा रहे और जो अवैध आकर के घुस गए हैं, उनका घर, उनके घर बिजली, उनके घर पानी पहुँच रही है, ये दोहरी दोगली नीतियों को हम कुचल करके रखते हैं। विनय जी, आपसे मेरा सवाल है कि जो वैश्य संगठन चलाते हैं पूरी दिल्ली में, पूरी इंडिया में ही आप चलाते हैं, तो आप समाज के लिए, वैश्य समाज बहुत काम करता है, धर्मशालाएं बनवाता है, बहुत सारा बढ़ चढ़ कर हाथ लगता है, तो आपके संगठन की तरफ से हमें किस तरह का ज्ञान मिलेगा, किस तरह की नॉलेज मिलेगी, किस तरह का सहयोग मिलेगा और किस तरीके से आप इसको आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि आप भी सेंट्रल टीम में हैं? जी, आपने मुझे आज बुलाया है, मुझे कल आपसे मेरी बात हुई थी। पूर्वी दिल्ली महारवै सभा का मैं प्रतिनिधित्व करता हूँ और मैं हमारे जो है ना 8 जो है कॉन्स्टिट्यूएंसी हैं और 32 उसमें कैंडिडेट हैं, और हमारा जो अखिल भारतीय महारवै सभा है वो राष्ट्रीय लेवल पे है, और वहाँ से जो है ना हरे हिंदुस्तान के अंदर जो है ना हमारे अपने लोग हैं, वैश्य समाज के लोग हैं,
और हम आपको अभी तो मैं अपने दिल्ली की बात हो रही है तो इसलिए अपनी अपने जो है ना 8 विधानसभाओं से महार वैश्य समाज की तरफ से आपको कैंडिडेट दूंगा और ये मुझे आगे बड़ी खुशी है। एक नया परिवर्तन लाने की कोशिश की गई है, नए लोगों को मौका मिल रहा है, ईमानदार लोगों को मौका मिल रहा है। तो ऐसे लोगों को जब आप आगे ला रहे हैं, आपका विचार और सोच बहुत ऊंची है और मुझे ये समझ आती है और इसलिए मेरे समाज के लोग बड़े मजबूत हैं और आगे बढ़ के काम करने वाले हैं। और जो है ना राजनीति में हमेशा जो है ना लोगों के लिए मदद करते आए हैं, वो आज वो खुद आगे बढ़ के आएंगे और अपना इलेक्शन लड़ेंगे और वो और दूसरों को भी हेल्प करेंगे और जो हमारे जो है ना दूसरे कैंडिडेट हैं उनको भी हेल्प करेंगे। बस मैं यही कहूँगा आगे। सर आप क्या कहना चाहते हैं? मेरा नाम त्रिपाठी है, मैं भारत में मनोरथ संघ का अंतर्राष्ट्रीय संस्था में राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। हम जो आज 5 सितंबर 1921 का जो दिन है, ये आज ये संविधान का सच्चा अर्थ में ये संविधानिक प्रक्रिया आज शुरू है। क्यों? ये पार्टी तर चुनावी चिन्ह तंत्र जो है ये संविधान में नहीं है, दोनों चीज़ नहीं है। और उसके बारे में हम लोग शुरुआत किए हैं, ये सब लोग के लिए एक भावना है। जब तक इस जनता इस जागेगी नहीं पूरे देश की और जनता के सरकार जनता के द्वारा चुना हुआ जय सरकार ने बनाएगी, तब तक इस देश का कल्याण होने वाला नहीं। आज देखिए पार्टियां जो हैं आपस में लड़ती हैं, बलात्कार आप देख ही रहे, आप लोगों के सामने बहुत लोग देखे होंगे, सारे कुछ देख रहे, भ्रष्टाचार देख लीजिए। ये सिस्टम जो है, सिस्टम जो पूरा भ्रष्ट है, सिस्टम को बदलना है, साँचा बदलना है। उस साँचे में कोई भी जाएगा ना, उस साँचा में सबको भ्रष्ट बना देता है। तो इस साँचे को तोड़ना है, साँचा तब खत्म होगा। इसके लिए हमारे चोपड़ा जी, हमारे लोग साथी लोग जो काम कर रहे हैं और जब हम लोग काम कर रहे हैं ना, ये साँचा तोड़ा जाएगा। जब साँचा कैसे टूटेगा कि जनता चुनेगी, जनता के द्वारा जनता की सरकार बनेगी और हम लड़ेंगे और जीतेंगे और जनता की सरकार बनाएंगे। धन्यवाद। 1-2 अक्टूबर को हमारा एक प्रोग्राम है लक्ष्मी नगर में और उसके बाद 8 नवंबर को, मतलब हर महीने बैक टू बैक हमारे प्रोग्राम होंगे और उससे पहले एक बड़ी मीटिंग भी होगी जिसमें अभी हम 51 के करीब मैं 2 अक्टूबर का प्रोग्राम है वो माहौर वैसे सभा कर रही है, लेकिन सब लोग हम कोशिश करेंगे कि उसमें जुड़ें और सहयोग करें हमारे कैंडिडेट को। दूसरा हमारा नवंबर में भी प्रोग्राम है और एक बड़ी मीटिंग करेंगे आपकी, हम 50 से ज़्यादा कैंडिडेट घोषित करेंगे उसमें और बड़े हॉल में करेंगे, आपका फिर से स्वागत करेंगे और पूरी शक्ति से ताकत से लड़ेंगे। जय हिंद। 8 नवंबर का